दोस्तों, अगर आपके पास बीपीएल का राशन कार्ड है तो अब आप लोग अपने राशन कार्ड के माध्यम से आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। और अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है, फिर भी आप लोगों का राशन कार्ड के माध्यम से आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। और इसके बाद आपको भी सरकार की तरफ से 5 लाख रुपये तक का सालाना फ्री में इलाज मिलने वाला है। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कि आप किस तरह से बिना लिस्ट में नाम के सिर्फ राशन कार्ड नंबर के माध्यम से अपने आयुष्मान कार्ड को बना सकते हैं। और आपको इसकी केवाईसी करवाने के लिए भी कहीं पर भी जाना नहीं पड़ेगा, अपनी केवाईसी भी घर बैठे ही कर सकते हैं। और साथ ही जब आपका आयुष्मान कार्ड बन के तैयार हो जाएगा तब आप लोग यहीं से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो किस तरह से आप लोगों को यह सारा कुछ प्रोसेस करना है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, जैसे ही क्लिक करेंगे इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस दिखाई देंगे। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, इसके बाद यहाँ पर आपको KYC करनी है, और इसके बाद आप अपने आयुष्मान कार्ड को यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ से आपको अपनी स्टेट का नाम सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, ईमेल आईडी देनी है, यहाँ पर आपको अपना फुल नाम टाइप कर देना है, यहाँ से आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, और इसके बाद इस कैलेंडर से अपनी जन्मतिथि को फिल कर देना है। जैसे ही सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर लिख के आ जाएगा यूजर हैज बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड। इसके बाद यहाँ पर आपको कोने की साइड में लॉगिन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो लॉगिन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, सबसे पहला है ऑपरेटर और इसके बाद सेल्फ यूजर। तो यहाँ पर आपको सेल्फ यूजर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और रजिस्ट्रेशन करते समय आपने जो भी मोबाइल नंबर दिया था उसी मोबाइल नंबर को यहाँ पर फिल कर देना है। और इसके बाद यहाँ पर साइन इन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। आपके इस मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। OTP को फिल करने के बाद साइन इन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पर आपकी जो डिटेल है वो देखने को मिल जाएगी। इसके बाद अब आपको यहाँ पर कंप्लीट योर KYC यानी कि अपनी KYC को कंप्लीट करना पड़ेगा। KYC कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले अपने आधार नंबर को फिल कर देना है। आधार नंबर फिल करने के बाद KYC करने के लिए यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि OTP, फिंगर, आयरिस और फेस। अगर आपके पास फिंगरप्रिंट डिवाइस नहीं है और आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो आपको OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और गेट OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, और OTP फिल करने के बाद वेरीफाई वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके आधार कार्ड से कंप्लीट डिटेल ले ली जाएगी। इसके बाद एक कैप्चा कोड यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा कोड सेम टू सेम इस वाले बॉक्स में फिल कर देना है, और इसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर लिख के आ जाएगा यूजर eKYC हैज़ बीन सक्सेसफुली अपडेटेड, और इसके बाद यहाँ पर लॉग्ड आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपको साइन इन दोबारा से करना पड़ेगा, तो साइन इन अगेन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोबारा से आपको सेल्फ यूजर सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको उसी मोबाइल नंबर को फिल करना है जो भी मोबाइल नंबर आपने रजिस्ट्रेशन करते समय दिया था, और OTP फिल करने के बाद साइन इन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पर साइन इन हो चुके हैं, यहाँ पर कोने के साइड में आपकी प्रोफाइल देखने को मिल जाएगी जिसमें कि आपकी लॉगिन आईडी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और एड्रेस आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको नीचे के साइड में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है इंटीग्रेटेड स्टेट स्कीम, ध्यान से देखिए तीसरे नंबर पर जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है तो इसी पर एक बार क्लिक करना है, और इसके बाद यहाँ पर आपको सर्च बाई आईडी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी स्टेट का नाम सिलेक्ट कर लेना है, इसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट स्कीम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इनमें से आपको अंत्योदय अन्न योजना वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आधार कार्ड लिख के आ रहा है, तो इसमें आपको राशन कार्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर आपका जो भी राशन कार्ड है अपने राशन कार्ड नंबर को फिल कर देना है, और इसके बाद गेट डिटेल्स वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे इसके बाद आपने जो भी राशन कार्ड नंबर दिया है उस राशन कार्ड में जितने भी सदस्य एड होंगे सभी सदस्यों के नाम यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, फादर का नाम देखने को मिल जाएगा, रेफरेंस आईडी और एड्रेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्ड स्टेटस,
यहाँ पर इनमें से किसी का भी कार्ड बना हुआ नहीं है, तो यहाँ पर कुछ भी शो नहीं कर रहा है। अब आपको जिस किसी का भी कार्ड बनाना है उसके ही जस्ट सामने एक व्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो व्यू वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा और इसे आपको कंप्लीट 4 स्टेप्स में कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको जिसका भी आप आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं उसके कुछ डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी, और आप जो भी ये डिटेल फिल करेंगे ये आपको सेम टू सेम आधार कार्ड के हिसाब से ही फिल करनी है। सभी डिटेल को फिल करने के बाद यहाँ पर आपको दोबारा से KYC करनी पड़ेगी, जिसमें कि आपको OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आपके पास फिंगरप्रिंट डिवाइस है तो आप इसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। OTP सिलेक्ट करने के बाद गेट OTP वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे इसके बाद आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है इस मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। OTP फिल करने के बाद यहाँ पर आपको एक कंसेंट देना है और इसके बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से KYC डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने आपने जितनी भी इन्फॉर्मेशन फिल की है सभी इन्फॉर्मेशन का एक रिव्यू आ जाएगा। इस रिव्यू को आप लोग अच्छी तरह से चेक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो आपने जिसके भी माध्यम से KYC कंप्लीट की है, जैसे कि मैंने OTP के माध्यम से यहाँ पर KYC को कंप्लीट किया है, तो OTP लिख के आ जाएगा। और इसके बाद आपको यहाँ पर एक कंसेंट देना है। यहाँ पर चूज़ ए फाइल, अगर आपके पास कोई भी फ़ोटो है आप अपलोड करना चाहते हैं तो अटैच कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको इसे छोड़ देना है, ये ऑप्शनल है। यहाँ पर आपको एक कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा को सेम टू सेम आपको यहाँ पर फिल कर देना है। कैप्चा कोड फिल करने के बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट करेंगे यहाँ पर देखिए लिख के आ जाएगा बेनिफिशियरी हैज़ बीन सक्सेसफुली अप्लाई फॉर आयुष्मान कार्ड, और यहाँ पर आपको एक रेफरेंस आईडी मिल जाएगी। आप लोगों को इस रेफरेंस आईडी को यहाँ से कॉपी करके रख लेना है, भविष्य में आपके काम में आ सकती है। और इसके बाद आपको यहाँ पर बैग सर्च वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर स्टेटस चेक करना है, आपने जितने भी आयुष्मान कार्ड अप्लाई किए हैं। तो स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे जाएगा यूजर एक्टिविटी, तो यूजर एक्टिविटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और आयुष्मान कार्ड अप्लाइड हिस्ट्री वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपकी यूजर हिस्ट्री देखने को मिल जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी एक आयुष्मान कार्ड को अप्लाई किया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये रही उसकी रेफरेंस आईडी, यहाँ पर बेनिफिशियरी नेम, गार्जियन नेम, मोबाइल नंबर, स्टेटस, सभी कुछ आप यहाँ पर देख सकते हो। और अभी यहाँ पर फिलहाल कार्ड स्टेटस में दिखाई दे रहा है कार्ड अप्लाइड। इसके बाद यहाँ पर आपको डिलीवरी डेट देखने को मिल जाएगी, डिलीवरी स्टेटस, और साथ ही यहीं पर आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। सो इस तरह से आप लोग बहुत ही आसानी से अपने राशन कार्ड के माध्यम से आयुष्मान कार्ड को बना सकते हैं। आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।